हेलो नमस्कार, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU वाले द स्टोरी का पर। साथियों, आज हो गया है 28 मई और अभी तक CVET PG का कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा निकल कर नहीं आ रहा है जिससे कि आप श्योर हो जाएं कि आपका एग्ज़ाम जो है वह 5 जून से ही होगा, या फिर आपका CT इन्फॉर्मेशन स्लिप कब आएगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम से 8-10 दिन पहले हो जाती हैं। लेकिन अब 10 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, लेकिन फिर भी NTA की तरफ से CVET PG वाले बच्चों के लिए कोई भी जानकारी नहीं दी गई है दोबारा से। तो आज के इस वीडियो में हम एक वेबसाइट के या फिर एक कह सकते हैं कि न्यूज़ चैनल के एक छोटा सा अपडेट के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि आपका CT इन्फॉर्मेशन स्लिप कब आ सकता है या फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि वह जो अपडेट है आज ही किया गया है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि CVET PG से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को ऐसे ही देते रहते हैं। तो साथियों, इसमें हम लोग बात करेंगे कि CVET PG का आपका जो एग्ज़ाम है वह कौन कौन से लैंग्वेज में होता है। तो आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरे थे तभी आपसे पूछा गया था। इसके बाद आपको जो समय मिलेगा एग्ज़ाम का, या 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि पिछले साल भी 2 घंटे का एग्ज़ाम होना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेकर हाईलाइट किया गया है, और यह आज का ही न्यूज़ है। एक वेबसाइट के माध्यम से यह मुझे मिला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी जानकारी दे दें। तो 5 जून से 12 जून, यानी कि यही डेट मानकर यह चल रहा है, लेकिन NTA की तरफ से 17 जून किया गया है। तो हम लोग 5 से 17 जून भी मान सकते हैं कि 5 से 17 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर 5 जून से ना हो, 8 जून से हो, यानी कि आखिरी डेट जो है वह 17 जून माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्लिप के बारे में अगर यह बात कर रहा है, तो लास्ट वीक ऑफ मई, यानी कि मई के आखिरी सप्ताह में बात कर रहा है। और अभी जो है ना, यानी कि आज संडे है और आज है 28 तारीख, यानी कि कल से, यानी कि यह आज संडे है, कल से अगला सप्ताह शुरू होगा। तो हो सकता है कि कल परसों में आपको CT इन्फॉर्मेशन स्लिप के बारे में जानकारी मिल जाए CVET PG वाले बच्चों को। हो सकता है कि आज रात तक भी कोई खबर निकल कर आ जाए, जैसे कि बहुत सारी जानकारियां जो है ना वो NTA रात में ही प्रोवाइड कराता है बच्चों को। जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो अचानक से सभी का नींद जो है वह हराम कर देता है। और पिछले साल बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि इनका मतलब पूरी रात जो था NTA ख़राब कर देता था। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही हो कि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे NTA तो वह रात के टाइम ही दे, जैसे कि अभी पिछला वाला जो इन्फॉर्मेशन था वह भी रात में ही लगभग 11:30-12 बजे के आसपास आया था। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आप लोगों को जानकारी दे देंगे। तो लास्ट वीक ऑफ मई माना गया है आपके CT इन्फॉर्मेशन स्लिप का, और एग्ज़ाम का डेट वहीं 5 से 12 जून माना गया है। तो हम लोग 5 से 12 जून ना मानकर 5 से 17 जून मानकर चलते हैं कि इसके बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और इसके बाद अगर डेट वगैरह एक्सटेंड होना होगा तो इसको लेकर NTA जो है वह जल्द ही जानकारी उपलब्ध करा देगी, क्योंकि 28 तारीख तक सभी लोग कह रहे थे, तो आज 28 तारीख हो भी गया। अब देखिए क्या होता है, रात तक या कल तक कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर निकल के आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपका जो एग्ज़ाम होगा या 2 शिफ्ट में होगा, पहला 10 से 12, दूसरा 3 से 5, यानी कि टोटल 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। और हो सकता है कि पेपर कोड अलग अलग हो, यानी कि एक पेपर कोड का एक ही साथ एग्ज़ाम होगा, जैसे कि CO QP 11 करके जो है तो उसका एक टाइम में हो जाएगा, या फिर PG QP 11 जिसका है उसका एक टाइम में हो जाएगा, या PG QP 09 या फिर HU QP 09 जिसका है उसका सुबह में हो जाएगा, HU QP 18 वालों का शाम में हो जाएगा। तो इस तरह से करके मतलब एक साथ, जैसे कि आपने 2 पेपर चूज किया हो, ठीक है ना, जैसे कि आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों ही चूज किए हो, और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही समय पर दोनों एग्ज़ाम दे दे, तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम NTA कराएगा। तो ये सारी जानकारी रही, तो जल्द ही आप लोगों को कोई ना कोई एक अच्छी खबर मिलने वाली है। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 5 जून से ही शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वह एक्सटेंड हो जाए, या CT इन्फॉर्मेशन स्लिप के बारे में कोई जानकारी मिले। तो आप लोग चैनल को विजिट करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम CVET PG से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को ऐसे ही देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।